नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज एनसीआर और बीबीएम न्यूज का खास बुलेटिन, जिसमें हम नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मेरी बाह में भारत में बनी कोविड-19 वैक्सीन लगी है, इसके लिए भारत का बहुत बहुत धन्यवाद, बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। राजस्थान के अलवर में बुलडोजर से कथित तौर पर 300 वर्ष पुराना एक मंदिर ध्वस्त किया गया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, करौली और जहांगीरपुरी पर आंसू बहाना और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना, यही कांग्रेस का सेकुलरिज्म है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस को खुद को बदलना होगा, बोले नवजोत सिंह सिद्धू। भारत को बांटने वाली शक्ति अभी देश में पैदा नहीं हुई, तौकीर रजा के जेल भरो बयान पर बोले सलमान खुर्शीद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर किए गए हलफनामे, दिल्ली धर्म संसद में कोई हेट स्पीच नहीं दी पर असंतोष जताया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि 4 मई को बेहतर हलफनामा दायर करे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड हाई कोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी जांच के आदेश दिए। गोवा पुलिस ने मुंबई के एक यूट्यूब रैपर को करीब 7 लाख कीमत की प्रतिबंधित सिंथेटिक दवा के लिए गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में कार में आग लगने से 4 महिलाओं समेत परिवार के 5 लोगों की जलने से हुई मौत। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को दी जमानत। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, मैं भव्य स्वागत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा, जब मैंने हर जगह अपने होर्डिंग देखे तो सचिन तेंदुलकर और अमिताभ जैसा महसूस किया। अदानी समूह ने मरीन सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी ओशियन स्पार्कल में 100% हिस्सेदारी खरीदी। कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए पहली बार कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली 2 छात्राओं को शुक्रवार को हिजाब पहनकर 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी गई। असम की अदालत ने खारिज की जिग्नेश की जमानत याचिका, 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में झड़प के बीच हुई फायरिंग, 2 लोग घायल। अक्षय कुमार के कभी तंबाकू का प्रचार नहीं किया कहने के बाद उनके सिगरेट की एड की तस्वीरें आई सामने। इमरान खान का बड़ा बयान, अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती तो पाकिस्तान आज 3 हिस्सों में बट जाता। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 4 आतंकवादी किए ढेर। जम्मू के कुछ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं ठप हुई। चट्टान टूटने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद किया गया। अफगानिस्तान में कल हुए ब्लास्ट में 31 लोगों की मौत, 87 घायल, आईएस ने ली जिम्मेवारी। आजम खान से सीतापुर जेल में मिले शिवपाल यादव, करीब 2.25 घंटे चली मुलाकात। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से। रंजिश के चलते पड़ोस की गाड़ियों में आग लगाकर तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को फरीदाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमिलनाडु सरकार ने जारी की कोविड गाइडलाइंस, सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए जुर्माना। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ को गृह मंत्रालय ने दी Y+ श्रेणी की सुरक्षा। ममता बनर्जी सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री 29 अप्रैल को आएंगे दिल्ली, मुख्यमंत्रियों की जॉइंट कॉन्फ्रेंस में लेंगे हिस्सा। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत की तारीफ में कहा कि 2050 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। रिश्वत के मामले में DCP मुख्यालय ने पर्वतिया कॉलोनी चौकी इंचार्ज के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए किया निलंबित। दिल्ली में कार में सफर कर रहे लोगों को राहत, मास्क न लगाने पर नहीं देना होगा जुर्माना। दिल्ली के तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक के आगे कूदकर 62 साल के बुजुर्ग ने की आत्महत्या। CISF के जवानों को ले जा रही बस पर जम्मू में आतंकवादी हमला, कार्रवाई में 1 जवान शहीद। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने के मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम से पूछा, स्टॉल, कुर्सियां, मेज, बक्से हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत थी? पृथला विधानसभा के गांव पनहेड़ा में मिला एक युवक का शव, रहस्यमयी हालत में हुई युवक की मौत। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज NCR और BVM न्यूज। जल्द आ रहा है न्यूज NCR और BVM न्यूज का खास कार्यक्रम वर्दियां और उनके रूप, देखिए हर रविवार सुबह 11 बजे।